वेरी गुड मॉर्निंग क्लास एट। मैं हूँ अभिषार सर और आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ चैप्टर 5 का। ये हमारा सेकंड वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। हम लोग क्यू बेसिक के अंदर में सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्यू बेसिक के अंदर में सर्कल ड्रॉ करने के कुछ सिंटेक्स होंगे, उस सिंटेक्स को आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा, आखिर वो सिंटेक्स हमारा होगा क्या, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि पिछले क्लास में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया बॉक्स के बारे में, लाइन के बारे में, फिर आगे जो बेसिक सिंटेक्स था आपको ड्रॉ करने का, वो सारे कुछ बताए गए थे। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और समझना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ बच्चों का पूछना था कि सर हम स्क्रीन 12 का ही यूज़ क्यों करेंगे, स्क्रीन 1, 2, 3, 4 यही सब का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसका आंसर भी कुछ बच्चों को दिया था। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि स्क्रीन 12 हमारे पास सभी ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। जितने भी ग्राफिक्स हमारे क्यू बेसिक के अंदर में पाए जाते हैं उन सभी ग्राफिक्स को हमारा स्क्रीन 12 सपोर्ट करता है, ठीक। और स्क्रीन 1, 2, 3, 4 कुछ कुछ ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, कुछ ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसी कारण से हम लोग क्यू बेसिक का एक बेसिक प्रोग्राम अगर कभी लिखते हैं तो स्क्रीन 12 के ऊपर ही लिखते हैं ताकि हमारे जो भी ग्राफिक्स हैं वो उसके ऊपर सपोर्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ आज बढ़ने वाले हैं, जहाँ कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो क्यू बेसिक में हम लोग सर्कल के अलावा एक्लिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और भी तरह तरह के शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। अब सर्कल के लिए आपको कुछ सिंटेक्स होते हैं सर्कल के, ठीक है। वो सिंटेक्स आप सभी अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। सर्कल का सिंटेक्स मैं बॉक्स के अंदर कर दे रहा हूँ। आप ये सिंटेक्स हमारे सर्कल का है, मैं इसको एक बार समझा भी दे रहा हूँ। सर्कल का सिंटेक्स हमारा, सबसे पहले तो सर्कल का नाम लिखेंगे यानी कि सर्कल लिखेंगे, और हमेशा सर्कल हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सर्कल जैसे ही लिखेंगे वहाँ एक्स और वाई लिखेंगे। अब एक्स और वाई क्या होगा इसके बारे में मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ जस्ट नीचे में, ठीक है। पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, उसके बाद आर आता है, ठीक। आर मैं आपको बता दूँ इसका रेडियस होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल आते हैं कलर, उसके बाद स्टार्ट, एंड और एक्सेप्ट रेशियो। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है। अब इसमें एक्स वाई का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, एंड, एक्सेप्ट रेडियो, एक्सेप्ट रेशियो, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्स वाई, वेयर एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्स वाई हमारे सर्कल का कोऑर्डिनेट होगा या सेंटर होगा, ठीक है। उसके बाद आर होता है, आर इज़ द रेडियस इन पिक्सल। आर जो हमारा है वो रेडियस होगा और रेडियस हमारा पिक्सल में होगा, जो कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो आर के बारे में समझ गया। उसके बाद कलर आता है। अब कलर का मतलब है, पहले से जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग लाइन में देखे हैं, तो कलर में आप किस कलर से उसको ड्रॉ करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टार्ट। अब स्टार्ट का मतलब होता है वो किस पॉइंट से स्टार्ट होगा। स्टार्ट इज द स्टार्टिंग एंगल ऑफ आर्क इन रेडियस, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कहाँ से वो स्टार्ट होगा, क्योंकि सर्कल कभी भी ड्रॉ होगा तो किसी न किसी पॉइंट से तो स्टार्ट होगा, किसी न किसी रेडियंस से स्टार्ट होगा। अब एंड, एंड जैसे कि स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एंड कहाँ पे होगा, किस रेडियंस पे जाके स्टार्ट होगा, किस पॉइंट पे जाके स्टार्ट होगा, एंड होगा। उसके बाद आता है एक्सेप्ट रेशियो। अब एक्सेप्ट रेशियो क्या होता है, एक्सेप्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एक तरह से बोला जाए तो रेशियो निकालता है, एक रेशियो बताता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ इक्लिप्स। ये बेसिकली इक्लिप्स ड्रॉ करने में यूज किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। स्क्रीन 12 के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया, स्क्रीन 12 लिखे हैं क्योंकि हमें ग्राफिक्स बनाना है, ठीक। उसके बाद CLS कमांड का भी होता है, क्लियर स्क्रीन, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आते हैं हमारे बेसिक सिंटेक्स के बारे में। अब बेसिक सिंटेक्स हमारे पास क्या क्या है, बेसिक सिंटेक्स सर्कल, और सर्कल के अंदर में एक्स और वाई में 300 एंड 300 हम लोग लिखे हुए हैं, जो कि एक्स और वाई एक्सिस आपको बताता है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं 100, देन हम लोग 15 लिखे हैं।
अब 100 हमारा क्या होगा, 100 हमारा रेडियस होगा जो कि पिक्सल में दिया गया है, और 15 जो हमारा है वो कलर में है। और 15 आपको पता होगा पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ब्राइट वाइट कलर का, ब्राइट वाइट कलर प्रेजेंट करने के लिए हम लोग 15 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं अपने क्यूबेसिक स्क्रीन पे। मैं इस प्रोग्राम कोड को अपने स्क्रीन पे लिखता हूँ। तो ये रहा हमारा क्यूबेसिक का स्क्रीन, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं स्क्रीन 2L, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। क्लियर स्क्रीन आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। ग्राफिक्स के केस में हमें कोशिश करना चाहिए कि क्लियर स्क्रीन ज़रूर लिखें, क्योंकि ग्राफिक्स में अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो वो ग्राफिक्स आधा कटा हुआ आएगा। और CLS यूज करने से आपके स्क्रीन पे अगर आउटपुट स्क्रीन पे अगर कुछ भी होगा, कोई भी चीज़ पहले से प्रिंट किया गया आया होगा तो उसको वो हटा देगा। ठीक है, हम लोग इंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप करते हैं सर्कल। सर्कल के अंदर में हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में 300 एंड 300, ये हमारे एक्स रेशियो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका रेडियंस क्या होगा 100, और उसका उसके बाद इसका कलर क्या होगा, कलर 15 हम लोग डालते हैं ब्राइट वाइट कलर के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कोड लिखा जा चुका है, अब इसको हम लोग रन करेंगे। अब देखिए ये हमारा रन हो रहा है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा होगा, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक सर्कल ड्रॉ होके आ चुका है। इसी तरह से इसी कोड का यूज करते हुए आप तरह तरह के शेप्स बना सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स हैं घर पे, वो बच्चे इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप क्यूबेसिक नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं अपने इंटरनेट से, और वहाँ से इसको अपने प्रोग्राम में टाइप करके और फिर रन करा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर आगे बुक की तरफ। बुक में अगला एक एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, कैन यू नेम एनी अदर सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज फॉर ड्राइंग, क्या आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का नाम बता सकते हैं जिसका यूज़ ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका आज का एक्टिविटी रहा, एक क्वेश्चन रहा आपके लिए कि आप हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम बताएं जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर हमारे पास MS पेंट है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग रिसर्च कीजिए। आप सभी के पास में इंटरनेट होगा ही, इंटरनेट पे आप लोग रिसर्च करेंगे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ड्राइंग करने में हेल्प करते हैं या फिर उसके ऊपर ड्राइंग किया जाता है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला हमारा है पेंट। अब पेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये चीज़ मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को मैंने देखा कि पिछले क्लास में जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स दिखाने के लिए या फिर लिखने के लिए, वो कुछ बच्चों ने लिख रखा है या फिर कुछ बच्चों ने दिखा भी रखा है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, दो चार बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे ने इसको चेक नहीं कराया, शायद मुझे लगता है कि वो बच्चे लिखे भी नहीं अपने कॉपी में। तो ये बहुत गलत बात है। आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, बहुत जल्द आपके एग्जामिनेशंस होंगे, उसमें मैं बुक के अंदर से क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं बुक के अंदर से सिंटेक्स पूछ सकता हूँ, सिंटेक्स के बीच में कुछ भी चीज़ हम मिसिंग रख सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो तो उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आपका हम लोग लें तो फिर आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, आपके पास समय का लिमिटेशन रहेगा कि आपको 10 मिनट समय दिया गया, 5 मिनट समय दिया गया, तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं बुक के अंदर बोल रहा हूँ कि उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उसको ज़रूर आप लोग लिखिए, ज़रूर पढ़िए उस चीज़ को, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस हो या फिर भविष्य में कोई भी बड़े एग्जामिनेशंस आपके होंगे उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, या अगले क्लास में आप लोग पढ़ने जाएंगे उसमें भी काफ़ी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस दैट इन द एग्जाम्पल द सर्कल इज नॉट फिल्ड इन लाइन हैज अ BF। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, नोटिस डैट इन द लास्ट एग्जाम्पल द सर्कल इज नॉट फिल्ड। आप देख रहे होंगे कि पिछले सर्कल में हमारा ये वाला एरिया जो है, ये एरिया फिल नहीं किया गया, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन हैज अ BF ऑप्शन डैट विल लेट अस फिल द बॉक्सेस इन ड्रॉ। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है BF, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स फिल। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि हमारे कोई भी बॉक्सेस हो, वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसको ये फिल करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है,
आपको पता है सर्कल हैज़ नो सच ऑप्शन, सर्कल के पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है जो कि ऑटोमेटिक इसको फिल किया जाए, सो वी हैव टू यूज पेंट। सर्कल के पास बॉक्स फिल करने के कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, इसके लिए हम लोग उसके ऊपर पेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेंट नाम का हमारे पास एक कमांड है जिस कमांड की हेल्प से हम लोग उसमें कलर फिल करते हैं। ठीक, अब आते हैं पेंट का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो पेंट का बेसिक सिंटेक्स हमारे पास ये है, इसमें हम लोग पेंट एक्स और वाई एक्सिस हमारा क्या होगा वो, उसके बाद कलर क्या होगा, उसके बाद बॉर्डर का कलर क्या होगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में स्क्रीन 12 समझ रहे हैं आप लोग, CLS समझ रहे हैं, सर्कल यहाँ तक हम लोग ड्रॉ करना पहले से जानते थे। अब सर्कल ड्रॉ करने के जस्ट बाद, सर्कल ड्रॉ करने के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, पेंट पेंट नाम का हम लोग एक कमांड चलाएंगे, उसके अंदर जो सर्कल का रेशियो होगा वो सर्कल का रेशियो डालेंगे, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस का जो रेशियो होगा वो डालेंगे, उसके बाद कलर हम लोग डालेंगे। ठीक है, जो भी हमारा कलर होगा, जो भी कलर हम लोग फिल करना चाहते हैं वो कलर हम लोग वहाँ डालेंगे, और उसके बाद हम लोग डालेंगे क्या चाहिए, बॉर्डर कलर। ठीक है, ये डालेंगे। हाँ, तो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं ज़रा, पेंट फिल्स एन एरिया विथ अ कलर। अब इस कमांड के अंदर पेंट जो है, पेंट का काम क्या होता है कि उस एरिया के अंदर में कलर फिल करना होता है। ठीक है, अब कहता है इट स्टॉप पेंटिंग व्हेन इट रन्स इनटू अ सर्टेन कलर ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे तब तक चलता रहता है, या फिर जब ये स्क्रीन पर पेंटिंग तब बंद करता है जब एक सर्टेन कलर इसके ऊपर रन कराया जाता है। ठीक है, अभी सर्टेन कलर उस एरिया को जैसे ही फिल कर देगा, जैसे कि हम सर्कल का जो एरिया दिए हुए हैं यानी कि एक्सिस दिए हुए हैं, उस एक्सिस को जैसे ही फिल कर देता है वो हमारा कलर फिलिंग या फिर पेंटिंग बंद कर देता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला चीज़, द कोऑर्डिनेट 300 एंड 300 टेल्स पेंट वेयर टू स्टार्ट फिलिंग इन। अब 300 300 जो मैंने अभी बताया कि आपको ये डिनोट करता है कि वो किस जगह पे ये पेंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड 9 टेल्स पेंट टू यूज ब्लू एज द पेंट कलर, और 9 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा ब्लू कलर पेंट करने के लिए बताता है। ठीक है, अब 9 के जगह पे आप 10 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है देन 5 टेल्स पेंट टू स्टॉप पेंटिंग। अब 5 हमारा कहता है कि इस पेंटिंग को आप स्टॉप कीजिए। ठीक है, वेन इट रन्स इन एनी थिंग डैट इज मेजेंटा। अब जहाँ पे 5 आएगा वहाँ मेजेंटा कलर जैसे ही मिलेगा उसको, वो पेंटिंग को बंद कर देगा। जैसे मैंने फॉर लूप कैसे बताया था, फॉर लूप में अगर उसको फॉल्स जैसे ही मिलेगा वहाँ पे वो स्टॉप कर जाएगा, वैसे ही इसको मेजेंटा कलर जैसे ही मिलेगा वो पेंटिंग को स्टॉप कर देगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में 5 लिया गया था, और हम लोग अपने एग्जाम्पल में जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में 15 लिए हुए थे, तो यहाँ हम लोग 15 भी लिख सकते हैं और यहाँ भी हम लोग 15 लिख सकते हैं, दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा, और दोनों जगह डिफरेंट रखिएगा तो ये कलर स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं होगा और कलर स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कोड विंडो पर जाते हैं, फिर वहाँ पर लिख के चेक करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे इसका काम करता है हमारा पेंट। ठीक है, हम लोग टाइप करेंगे पेंट, पेंट के बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 300 एंड 300, जो कि इसका एक्सेस दिखाएगा कि ये कहाँ से पेंटिंग स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे 9, 9 हमारा कलर है, हम लोग 9 के बदले में हम लोग चलते हैं 8 ही डाल देते हैं, हम लोग कलर कोई दूसरा यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे यूज़ किए थे मतलब कोर कलर, यानी कि बॉर्डर जो उसका होगा, बॉर्डर किस कलर का होगा था, हम लोग ब्राइट वाइट कलर का यूज किए थे, तो इसमें भी हम लोग ब्राइट वाइट ही डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे 8 डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और लगभग ये ग्रे कलर की मेटालिक ग्रे कलर का ये हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, तो आइए हम लोग एक बार इसको चेंज करके भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग इस 8 के बदले में हम लोग अब 10 डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 10 डाल दिए, और इसको रन करा के चेक करते हैं, देखिए 10 के जगह पे कौन सा कलर आता है। अब देखिए यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का ये हमारा सर्कल के अंदर में फिल हो जा रहा है, और ये आप बॉर्डर देख रहे होंगे वाइट कलर का ही है,
क्योंकि हम लोग कंडीशन में डाले थे कि जैसे ही उसको वाइट कलर मिलेगा वहाँ से कलर फिलिंग करना बंद कर देगा। तो बॉर्डर को ये वाइट कलर का ही रहने दिया है और बीच के कलर जो हमारे हैं वो लाइट ग्रीन कलर का ये पेंट करके दिया है हमें। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एंड सिंटेक्स है ये आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल के अंदर में सर्कल। ठीक है, इसी एक सर्कल के अंदर में हम लोग सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे, तो काफ़ी इजी है। हम लोग जैसे कि जितना भी सर्कल बनाना चाहे, 5 सर्कल बनाना चाहे, 10 सर्कल बनाना चाहे, 20 सर्कल बनाना चाहे, तो वो हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम सभी लूप के बारे में जानते हैं, आपको पता है कि लूप किसी काम को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी लूप का काम होता है कि एक काम को जितने बार लूप को रूप अपने सर्कल मतलब कि रूट में घूमेगा, यानी कि लूप का जो रेंज होगा उस रेंज में जितने बार, अगर 10 रेंज आता है तो उस रेंज में 10 बार जाएगा अगर, तो हमारा 10 बार सर्कल प्रिंट होगा या फिर कोई भी दूसरा चीज़ रहेगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस सर्कल के कोड को हम लोग लूप के अंदर में डाल देंगे। कितने टाइम्स रन करेगा? जितने टाइम्स हम लोग वहाँ डाल देंगे उतने टाइम्स ये रन करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल में स्क्रीन 12 आप समझ ही रहे हैं, CLS समझ रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर के अंदर में लिखा गया है आई इज इक्वल टू 5, यानी कि आई का वैल्यू 5 दिया गया है टू 200। अब आई का वैल्यू 5 है और जाएगा कहाँ तक? 200 तक इसका वैल्यू जाएगा। और स्टेप का मतलब होता है कितने बार ये बढ़ेगा। अब स्टेप में 50 दिया गया है तो 50 प्लस 5, नेक्स्ट टाइम जो जाएगा 55 जाएगा, उसके बाद फिर 50 50 से आगे बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद अगली बार जाएगा तो 50 से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सर्कल में कह रहा है, सर्कल का रेशियो आपको दिया गया है कि एक्स और वाई एक्सिस क्या होगा और आई इसका रेडियस क्या होगा। सर्कल का रेडियस पहली बार में 5 हो जाएगा और दूसरे बार में 55 हो जाएगा, उसके बाद 105 हो जाएगा, ऐसे ही करके वो बढ़ते चला जाएगा और 15 हमारा कलर हो जाता है। और नीचे में हमारा नेक्स्ट, जो कि आप जानते हैं कि फॉर के साथ हम लोग नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, और आई लगा के दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको फिर से इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि ये आखिर वर्क कैसे करता है। तो ये रहा हमारा कोड विंडो। हम लोग इसी विंडो में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, जो हम लोग कलर का लिखे थे, पेंट जो यूज़ किए थे उसको हम लोग हटा देते हैं और CLS के जस्ट बाद हम लोग सेम चीज़ लिखने वाले हैं। ठीक है, CLS के बाद हम लोग इंटर दबा के यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 5। आई का वैल्यू हमारा 5 हो गया, इसको थोड़ा सा स्पेस हम लोग यहाँ दे देते हैं, आई इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद 2, 5 से कहाँ तक? टू 200, आई का वैल्यू 5 से चल के 200 तक जाएगा। और कितने स्टेप से आगे बढ़ेगा? स्टेप हमारा 50 है, आप चाहे तो इसको घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 50 स्टेप तक हमारा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 जो हमारा था, जो रेडियस था, उसको हम लोग हटा के उसको हम लोग डाल देते हैं क्या? आई, क्योंकि रेडियस हम लोग सर्कल कैसे, नया सर्कल कैसे बनेगा, जैसे उसका रेडियस बढ़ेगा तो हमने सर्कल के अंदर सर्कल बनेगा, तो आई रेडियस के जगह पे हम लोग यहाँ पे आई दे देते हैं। बाकी सब कुछ हम लोग उतना ही वैसे ही रहने देते हैं। और फॉर को बंद करने के लिए, यानी कि फॉर को क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट आई। चलिए, हमारा प्रोग्राम बन चुका है, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि कैसे ये रन करता है। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सर्कल के अंदर में हमारे पास सर्कल है, 1 2 3 एंड 4, 4 सर्कल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पहला सर्कल जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे छोटा है, उससे छोटा है, देन सबसे छोटा हमारा सर्कल है। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 200 था, अब इसको हम लोग 300 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 300 करके रन करते हैं, देखिए अब सर्कल का नंबर बढ़ जाएगा। अभी हमारे पास 4 सर्कल्स थे, अब आप देखिए कि हमारे पास सर्कल का नंबर बढ़ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सर्कल्स हमारे पास आ गए। और ये हमारे स्क्रीन से थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसके कारण ये आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, नीचे से थोड़ा थोड़ा कटा हुआ दिख रहा होगा, ये हमारे स्क्रीन से थोड़ा बड़ा हो जाने के कारण कटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि है कलर। ठीक है, अब ये कलर के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ रहे थे कि अगर 15 का यूज करेंगे तो ब्राइट वाइट आएगा,
और कोई 14 का यूज़ करेंगे, 13 का यूज़ करेंगे, 12 का यूज़ करेंगे, 10 का यूज़ करेंगे, तो कौन कौन से कलर आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बाबू हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपको सर्कल ड्रॉ करने में। तो आप लोग इसको सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, तरह तरह के कोड्स लिखिए आप सर्कल के अंदर में। जैसे कि हम लोग अभी 4 सर्कल्स बना रहे थे, अब अगला आप 6 सर्कल का देखिए, 10 सर्कल का देखिए, वैसा कुछ कोड लिख के दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। अब होमवर्क आपका क्या रहेगा, आपको सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 सर्कल्स हमारे पास हैं, तो आपको क्या करना है, 10 सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए। अब आपके पास 10 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और आपको इसका कोड लिखना, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, अभी आप लोग ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये 10 सर्कल हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाएंगे इसका आप प्रोग्राम कोड लिख के हमें दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं। और आप लोगों को जैसे बताया गया कि जितने भी आपके सिंटेक्स है या फिर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये एग्जांपल आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कलर्स टॉपिक के साथ, ओके।